सच सच मुझे बताओ कि ये पापड़ नीचे किसने फेंके हैं? आपने फेंके हैं? दीदी तो लेटी हुई है? मुस्तफा सच सच मुझे बताओ, ये अंदर आप स्टूल क्यों लेके आए हैं? ये स्टूल आप अंदर क्यों लाए हैं? अब ऊपर देखो, मेरी तरफ देख के मुझे बताओ, नीचे किसने गिराया है? है ये नीचे किसने गिराया है? खड़े होके जरा मुझे बताओ। ये देखिए मेरे बेटे की जरा चालाकियां चेक करें, है इसने क्या किया है? चिप्स और पापड़ खाने के बाद इसने नीचे फेंक दिए सारे, और दीदी का नाम लगा रहा है, स्टूल लेके आया है। इसकी कार्रवाइयाँ चेक करें, किचन से स्टूल उठा के लेके आया है और आके इसके ऊपर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और अब ये दीदी का नाम लगा रहा है किसको? मालो दी मैचा को। क्यों मालो दी? मैचा ने तो कुछ नहीं किया है। मामू को मारो दी। मामू मारेंगे मैचा को? क्यों? मैं मामू से बोलूंगी आपको अत्ता करें। आपने नीचे फेंका है ना सारा कुछ? क्यों नहीं? आपने चोरी भी नहीं की है? मैं खफा हूं आपसे। आपने अभी मम्मा ने सारी सफाई की है, आपने फिर गन कर दिया है। क्यों? आप गने बच्चे हैं। ओके गाइस, ये घना बच्चा हो गया, बहुत घना बच्चा है। फिर क्या है? पारे बच्चा हो ना? कहाँ से पारे हो आप? ये देते इधर देते, मैं दे तू पाले हो? ये कहाँ से पाला है? ये कोई पाला बच्चा है? मम्मा जी गाइस, ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, दूध बॉयल कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, और जो करना था वो कर चुकी हूँ। इनको अभी चिप्स खिला चुकी हूँ, पापड़ बना के खिला चुकी हूँ, और अब मैंने फिश निकाल के रखी है कि आज मेरा दिल कर रहा है, कल मैंने माश की दाल बनाई थी और आज भी वही माश की दाल खानी पड़ती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ज़रा सा साथ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो उसके लिए मैंने फ़िश निकाल के रखी है। ये छोटी वाली फ़िश लेके आई हूँ। उस दिन बड़ा पीस लेके आए थे फ़िश का, लेकिन उसका कुछ ख़ास टेस्ट नहीं लगा मुझे, मुझे नहीं लगा, मैं मियाँ को तो लगा था। और क्या था बकौल मैं मियाँ के, कि फ़िश हो या चिकन हो, बड़े पीस का टेस्ट नहीं होता, छोटे पीस का टेस्ट होता है, बट वो अच्छी बनी थी। उसमें सारा क्रेडिट मुझे जाता है क्योंकि मैंने मसाले अच्छे अच्छे लगा के बनाई थी। सो आज ये छोटी फिश लेके आई हूँ, और ये हमने परसों ली थी, कल ली थी, और मेरी सिस्टर ने भी ली थी, मैंने भी ली थी, और उन्होंने तो बना के खा ली, और उनका कहना है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी बनी थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी बना लूँ। अभी बच्चों के काम से फारिग हुई हूँ, सारा दिन के काम, आप लोग देख रहे होंगे कि शायद दूध कुछ ज़्यादा आ गया और वो पतीलियों में गर्म हो रहा है। दरअसल कल क्या हुआ, कल ये हुआ था कि मैं अम्मी की तरफ चली गई, और कल का जो दूध आया था हमारा वो रात को मैं बॉयल नहीं कर सकी, गैस चली गई थी और हम लोग लेट आए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि सुबह दूध वो ख़राब हो चुका था, और फिर उमर ने और दूध मंगवा लिया था, और ये दूध जो है इस पतीली वाला ये अभी आया है, जो कि मैंने सोचा मैं दोनों बॉयल अलग अलग कर लूँ, क्या पता वो भी ख़राब ना हो जाए, इस वजह से इसको अलग उसको अलग बॉयल कर रही हूँ। उसके बाद बस फ़िश बनानी है, और फिर दिल कर रहा है अम्मी की तरफ जाने को, और ये देख लें मेरा बच्चा जो है ना, काका जो है ना, वो नीचे बैठ गया है। इसको इसको इसकी दीदी को आज मैंने नहलाया, नहला के कपड़े चेंज करवाए। खड़े हो जाओ, कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये देखो वो सब देख रहे हैं, ये देखिए ज़रा इसके कारनामे। क्या कर रहे हो आप पप्पे? इशी तलियो। अच्छा जी, ये एक छोटा सा इसके हाथ में हैंडल है कप का, ठीक है, ये फजर का कप था पिंक कलर का, और वो उसका हैंडल जो है वो साइड से हट जाता है, अलग हो जाता है, तो मैं कपड़े जब भी प्रेस करती हूँ तो मुस्तफ़ा मेरे पास बैठ जाता है, और जो है ना बैठ के कपड़े जो है ना ऐसे ये हैंडल लेके, और कहता होता है मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। सो मेरी ये जो पारी सी बेटी है ना, इसको बहुत शौक है मम्मा को देख के हर काम करने का। तो ये अब आप स्टूल क्यों लेके आए हो? इस स्टूल को रख के आए ना? तू मैं बाबा तो बताऊंगी ना, आप मामा बात नहीं सुनते हो, बताऊं बाबा को? ये मेरा बेटा इतना कोई दबंग टाइप का है, इसको अगर मैं कहूँ कि मैंने आपकी पिटाई करनी है, कहते तो करे ना, और अब इसने क्या कहा है? बाबा को बताएं, बस ठीक है मैं बाबा को बताऊंगी, बाबा खफा हो जाएंगे। चलें उठाएं वो स्टूल, लगते आए मुस्तफ़ा।
अच्छा मुस्तफा ये बताओ, आपने स्कूल जाना है? छपाला पलने जाना है? छपाला पलने क्यों? बहुत बुरी बात है, इसने स्कूल जाना है, इसने सपारा पढ़ने नहीं जाना।